watch more videos, please subscribe Wasom Entertainment and ring the bell for the notification. जगदीश सिंह जौहल, जी हाँ, एओ नाम है जिसनु हाल ही दे विच अतवादी गतिविधियां विच जुड़े होण करके गिरफ्तार किया गया है। इन्हां उत्ते इल्जाम हन कि इन्हां ने आरएसएस नेता जगदीश अते पास्टर दी हत्या करवाई है अते इस तो पहला हिंदू नेतावां दे जो भी कत्ल होए सन उन्हां दी फंडिंग भी इन्हां दे थ्रू ही कीती गई सी। अजिहे कई इल्जाम हन जिस विच जगतार सिंह जौहल नामजद हन। पर अगर सिंह जौहल दे सौरे परिवार दी गल करिए या वकीलां दी गल करिए तां ओह इस गल तों इनकार करदे ने। सौरे परिवार दा तां इत्थे तक कहना है कि 18 अक्तूबर नूं ही जौहल दा हले व्याह होया है ते अगर ओह अजिहियां अतवादी गतिविधियां दे विच शामिल हुंदा तां ओह अपनी धी इन्हां नूं देंदे ही क्यों, अपनी धी अजिहे परिवार च व्याहदे ही क्यों। आपके मेरे जवाई लगदे आ, क्या हुआ, क्या मामला है सारा, इनको क्यों गिरफ्तार किया गया? सानू कोई मामले दा पता नहीं, साडे तां 18 तारीक नूं व्याह होया सीगा ते कोई सानू इहदे बारे अजे ते कोई जानकारी नहीं मिली भी की इहदे नाल कीता की नहीं कीता, कहदे विच फड़िया आ। साडे नाल बहुत ज़्यादा धक्का किया गौरमेंट ने, बहुत ज़्यादा, अजे ते साडी कोई भी सुनाई नहीं करता, कोई भी नहीं, बस मान ले जाते, साड़ी सुनाई है नहीं किसी पास से भी। क्या आपको मिलने दिया जगतार जी से? आज मिलने दिता, अगे तो जगतार जी से बात हुई आपकी? हाँ, बात हुई। क्या क्या बोले वो? कुछ नहीं, बस तो थोड़े को बोलना किसी उन्होंने ठीक है, और इस टाइम की बोलन गए वो जिन्होंने इतना धक्का होया। कहाँ से पकड़ा गया उनको और पुलिस ने कुछ बताया क्यों पकड़ा गया, किन आरोपों के अधीन? पुलिस ने कुछ नहीं बताया, रामा मंडी को पकड़े पुलिस ने बताया, पुलिस ने जितने भी सामने भी पुलिस तब बस तंग करने नुआ, बस और कुछ नहीं है। कितने दिन हो गए जगतार को वहाँ से आए हुए? चार तरीक को फड़े आया, चार तरीक को अरेस्ट किया। हाँ जी, शाम यूके से कब आए थे? यूके 2 तरीक को आए थे। शादी कब हुई? शादी 18 में हुई। अब आप क्या मांग करते हो? अब आप मांग करते हैं गवर्नमेंट के सामने न्याय चाहिए, हम का जवाई जायज फड़िया है उसको छड़ना चाहिए है, वो यूके का रहने वाला उधर इतने कोई भी है नहीं फैमिली, असी गवर्नमेंट से ही न्याय करते हैं, संगा नाक होया साढ़े नाल सानू न्याय चाहिए है। इस तों इलावा गल कीती जावे तां जगतार एक ब्रिटिश नागरिक है जिस करके ब्रिटिश सांसद वी जगतार दा पक्ष लैंदे हुए नजर आ रहे हन अते जोरां शोरां दे नाल सोशल मीडिया उत्ते भी मुहिम शुरू कर दित्ती गई है फ्री जग्गी करके, पर वकीलां दा की कहना है आओ एक नज़र मारदे हां। जगतार सिंह दा एज वकील इस केस दे विच अज पेश होया। जगतार सिंह ने अज दस्या भी उन्हें ड्यूरिंग पुलिस इंटैरोगेशन जिहड़ा 3rd degree जिहड़ा टॉर्चर किया गया, फिजिकली भी मैंटली भी उहदियां चड्डे पाड़े गए आ, उन्हें इलैक्ट्रिक शॉक उहदे नरम हिस्सों के उत्ते कन्नां ते निप्पल्स ते ते पिनिस दे उत्ते दिता गया। उहदे वास्ते असीं एप्लीकेशन जिहड़ी आ जज साहिब नूं मूव कीती आ भी जगतार सिंह जिहड़ा हैगा ये ब्रिटिश सिटीजन आ, उह उत्थों दा ही बॉर्न आ, तो उन्होंने एक तो यूके अंबैसी इन्होंने कोई इंटीमेशन नहीं दी कि ताडा सिटीजन फड़िया है, एक वो ब्रदर ने आलरेडी पासपोर्ट यूके अंबैसी के ब्रिटिश दिल्ली के उत्थे जमा करा दिता है, वो इंटीमेशन कोर्ट में दे दी गई है, कोर्ट ने पुलिस ने वेरीफाई करने कहा। एक असी एप्लीकेशन दी है भी इन्हू फिजिकली मैंटली टॉर्चर किया गया 3rd degree दे के, यदी जाँच है जी मैडिकल ये फॉर्मल किसी डॉक्टर के सैन करा के लिया आते हैं, मैडिकल बोर्ड एक बनाया जाए घट्टो घट्ट 3 डॉक्टर का, वो इनू मैडिकली तो मैडिकली एग्जामीनेशन करे भी इनू टॉर्चर जिहड़ा कीता होया, जिहड़ा इन्होंने रूल्स की उलंघना की हैगी, एक दूजे यूके दे सिटीजन जिहड़ा मैंटली ते फिजिकली टॉर्चर किया है, उहदे वास्ते जे उहदे विच कोई गल ऐसी आउंदी है मैडिकल एग्जामीनेशन दे विच बोर्ड लिआउंदा ते असीं जिहड़े संबंधित अधिकारी ने उहनां नूं सू भी करांगे। सर कौन कौन से आरोपों के अधीन इनको आज पेश किया गया? ये जिहड़ा FIR हैगी जी, ये सिर्फ 2016 दे विच एक FIR आर्म्स एक्ट दे विच दर्ज हुई सी किसी तलोक सिंह नाम दे बंदे दे उत्ते। कितने नंबर FIR है? 193/2016 FIR 17/12/2016 दी इनिशियली FIR आर्म्स एक्ट दे विच दर्ज हुई सी, देसी कट्टा किसी कोलों रिकवर होया सी, उहदे विच बाद दे विच अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट दे 10, 11 ते 13 सैक्शन ऐड किए गए सीगे। वो बंदे दे जिहड़े केस दे विच डिस्क्लोजर हुई सी ओह केस उहदा डिस्चार्ज कराया पुलिस ने आप,
इस केस दे विच उहदी लेट चलान ना आउण करके उहदी बेल हो चुकी सी। इस केस दे विच जगताल सिंह को अजे तक कोई भी इतलाह जो चीज जिहड़ी अजे तक नहीं फड़ी गई। 10 दिन का लंबा जिहड़ा रिमांड पुलिस ने लिया हैगा, अज फिर फर्दर उहनूं 17 तक रिमांड दे उत्ते दित्ता। मोर दैन सफिशेंट जिहड़ा उही रिमांड दे ग्राउंड ने जिहड़े 5 तरीक नूं रिमांड दे ग्राउंड सी असीं हथियार कवर कराउणे श्रीनगर तों, 10 तरीक नूं यही सी असीं हथियार कवर कराउणे आ। जिहड़ा बंदा 10 अक्तूबर के पहले हफ्ते आया वह कि हथियार की इतने समगलिंग तो अपने विह के बिजी से 18 अक्तूबर उसका विह होया तो विह के चावान के इन्होंने बिल्कुल एक यूके के सिटीजन के नाल बहुत धक्केशाही की हैगी। बरखिलाफ उतों के एम पियां भी जोड़े स्टेटमेंट आई है, यूके की अंबैसी के अधिकारी भी 10 तरीक न पहुंचे से वह भी इन्होंने अजे तक उन्होंने नहीं मिलाया है। रिमांड नहीं हैगी पर उन्होंने उस पासपोर्ट की ग्राउंड बेस बना के उन्होंने रिमांड दिता। वैसे वकील साहब नूं मिलने का भी जिहड़ा टाइम सीगा असीं एप्लीकेशन लाई सी उन्होंने अलाउ की हैगी है। शाम नूं 8 तों 9 बजे तक उन्होंने एडवोकेट मैं जां चड्डा साहब जिहड़े आ जाके उन्होंने मिल सकते हैं जिथे भी उन्होंने CIA सेंटर रखा। वकीलों की गल तो सुन ली पर अगर पुलिस की मनीए तो पुलिस के कोल पुख्ता सबूत ने कि जगतार सिंह दोषी ने। पुलिस ने हाल ही दे विच जगतार सिंह नूं रामा मंडी चौंक तो उस वेले गिरफ्तार किया सी जद ओह अपनी पत्नी दे नाल घूम रहे सन। ब्रिटिश नागरिक जगतार सिंह जौहल के पक्ष में ब्रिटिश सांसद तरमजीत सिंह तेसी और मार्टिन डुकार्टी एंड यूके सिख फेडरेशन सामने आई है। जगी जौहल नूं बचाउण वास्ते सोशल मीडिया का भी पूरा सहारा लिता जा रहा है। फ्री जगी करके मुहिम सोशल मीडिया उत्ते वढ़ दित्ती गई है। पंजाब पुलिस ने जगी जौहल नूं उसके 3 दोस्तों के नाल गिरफ्तार किया। इल्जाम है कि हिंदू आगुआं के कतल विच इह शामिल सन। इन्हां वारदातां विच NRI जगी जौहल उत्ते इन्हां सारियां वारदातां दी फंडिंग दा भी गंभीर इल्जाम है। पर यूके दे पंजाब MPs जगी जौहल दे पक्ष लैंदे हुए नजर आ रहे हन अते जिन्हां ने मार्टिन डुकार्टी नूं जगी दी रिहाई वास्ते ठोस कदम चुकन लई कहा है। ब्रिटेन विच रहिंदे सारे पंजाबियों दा मनना इही है कि जगी नूं गलत फसाया जा रहा है अते उसदे उत्ते इल्जाम लगाए जा रहे हन, जिसदे चलदिआं जगमीत जौहल दे भरा भी अपने परिवार दे नाल वापस ब्रिटेन चले गए हन क्योंकि उन्हां नूं डर है कि जग्गी नूं पंजाब पुलिस पड़ताड़ित करके उन्हां उत्ते इल्जाम लगा के उन्हां नूं जबरदस्ती मनवाण दी कोशिश करेगी, 3rd degree दे के उन्हां नूं मनवाण दी कोशिश करेगी कि उन्हां ने इह गुनाह कीते हन, जिस डर तों ओह आप भी अपने परिवार दे नाल ब्रिटेन वापस चले गए। इह सारे हालातां नूं देखदे होए ब्रिटेन हाई कमिशन दिल्ली चंडीगढ़ अते लंडन दे विदेश मंत्रालयां नूं चाहीदा है कि ओह दखल देण अते जगतार सिंह जौहल दे इस केस वल ध्यान दे के दुध दा दुध अते पानी दा पानी करन दी कोशिश करन। अगर जगतार सिंह जौहल दोषी हन तां उन्हां नूं सज़ा होवे, अगर उन्हां नूं बेकसूरियां फड़ के अंदर कीता गया है अते उन्हां दे खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं हन तां उन्हां उत्ते अजिहा जुल्म ना कीता जावे अते उन्हां नूं जल्द तों जल्द रिहा कीता जावे क्योंकि असीं इक आज़ाद मुल्क विच रहिंदे हां अते 1984 सिख नसलकुशी खिलाफ हर किसी नूं अपनी आवाज़ बुलंद करन दा पूरा अधिकार है। पर इस दा मतलब ए नहीं कि कोई भी आवाज़ बुलंद करे तां उस नूं चक के सलाखां दे पिछे सुट दित्ता जावे, खास करके बेकसूरियां नूं। इस नूं असीं लोकतंत्र दा कतल कहांगे, लोकतंत्र दा कान कहांगे। हाँ, अगर कोई दोषी है तां उस नूं उसदी सज़ा जरूर मिलनी चाहीदी है, सबूतां दे आधार ते मिलनी चाहीदी है। To watch more videos, please subscribe Wasm Entertainment and ring the bell for the notifications.